यूपी के महाराजगंज में एक सनकी प्रेमी की गंदी हरकत देखने को मिली है, जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पहले तो उसे ब्लैकमेल कर खूब शोषण किया और जब इतने से मन नहीं भरा तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे इस बात की भनक प्रेमिका को लगी तो पहले प्रेमिका ने अपने प्रेमी से बात कर वीडियो हटाने की गुजारिश की, लेकिन सनकी प्रेमी नहीं माना। फिर क्या था, थक हार कर प्रेमिका पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस में प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। बता दें कि पूरा मामला महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव की एक लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ दिनों तक दोनों का प्यार परवान भी चढ़ा, लेकिन इसी बीच लड़के ने लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया, जिसके बाद से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। फिर क्या था, सनकी प्रेमी ने बदनाम करने की नियत से सोशल साइट लाइक पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। बता दें कि इससे पहले आरोपी प्रेमी अपनी प्रेमिका से वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग कर शोषण करता रहा और जब प्रेमिका ने प्रेमी की बात मानने से इनकार कर दिया तो सनकी प्रेमी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। लड़की की शिकायत के बाद पहले तो पुलिस टालमटोल करती रही, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद आनन फानन में पनियरा पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। इसमें थाना पनियरा में सूचना प्राप्त हुई थी और वीडियो जो वायरल हुआ था वो भी संज्ञान कराया गया था, जिसमें एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में लड़की की माँ के द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। संघ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त तो बाहर है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करके मुकदमे को विधिक निस्तारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।